केरल के कोची जिले के कालामेसेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में 29 अक्टूबर को हुए धमाके की जांच में जुटी एनआईए और केरल पुलिस का शक सच में बदलता जा रहा है। इस ब्लास्ट के पीछे आतंकवादी संगठनों का नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि डोमिनिक मार्टिन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और त्रिशूर जिले के कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है, लेकिन एनआईए और केरल पुलिस फिर भी उसके बयानों की तस्दीक करने में जुटी है। जांच एजेंसियां अब डोमिनिक मार्टिन की कुंडली खंगाल रही हैं। आखिर डोमिनिक मार्टिन का दुबई से क्या कनेक्शन है? मार्टिन दुबई में क्या करता था? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के जरिए डोमिनिक के संपर्क में आए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि डोमिनिक मार्टिन कई साल यूएई में रहकर काम कर चुका है। वो करीब 2 महीने पहले ही भारत लौटा था। दुबई में भी मार्टिन करीब 15 साल तक रह चुका है। मार्टिन इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम करता था। उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की पूरी जानकारी थी। भारत लौटने के बाद वो बच्चों को अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ा रहा था। जांच एजेंसियों को मार्टिन का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसमें मार्टिन का स्थायी पता दिया गया है। मार्टिन के बयानों की बारीकी से जांच की जा रही है। मार्टिन के दुबई कनेक्शन से पहले इन धमाकों का मल्लापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली के कनेक्शन के कयास लगाए जा रहे थे। इस रैली में बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने का नारा लगाया गया था। हालांकि इस ब्लास्ट को लेकर इस कनेक्शन का आधार तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मार्टिन के दुबई से जुड़े सुरागों को लेकर जांच एजेंसियां ये जानने में जरूर लगी है कि मार्टिन दुबई में किस किस के संपर्क में था।